बनी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय तीसरी बार राजस्थान की कमान संभालते हैं, साथ में नौजवान साथी मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी जो कांग्रेस के स्तंभ है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, पूरा संगठन यहाँ मौजूद है। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में और पायलट साहब के नेतृत्व में लोकसभा की जो चुनाव आपके बीच में हो रहे हैं 29 तारीख को रामपाल जी शर्मा को लोकसभा में भिजवाए। आप सभी को मालूम है इस भीलवाड़ा की धरती पे पिछली सरकार ने पानी की व्यवस्था की, हाईवे बनवाए और जो भी विकास के काम में अधूरे थे उनको पूरा कराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। सीपी जोशी जी ने लोकसभा की कई स्कीमें यहाँ पास करवाई। मैं आप सभी से पुनः निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को आगे जाना है, उनकी सब बातें अपन को सुननी है, पर कांग्रेस पार्टी का जो विकास और कांग्रेस पार्टी का किया हुआ कार्य आप सबके बीच में है। मैं एक बार पुनः आप सभी से निवेदन करूंगा कि 29 तारीख को राहुल गांधी जी का जो संदेश पूरे देश में है, आप रामपाल जी शर्मा को हाथ के निशान पे बटन दबाकर लोकसभा में भिजवाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, नमस्कार सर। आदरणीय रघु शर्मा साहब, चेयरमैन कैंपेन कमेटी, मैं गुजारिश करूंगा उप मुख्यमंत्री आदरणीय सचिन पायलट साहब से। रामपाल शर्मा जी, व्यास साहब हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, हमारे विधायक त्रिवेदी जी, हंगामीलाल जी, लाल सिंह कटारिया जी, रघु शर्मा जी, विवेक धाकड़ जी, रामलाल जाट साहब, मंच पे सभी कांग्रेस पार्टी के नेता, पूर्व विधायक, पूर्व प्रधान, पदाधिकारीगण, आज इस चुनावी सभा में मौजूद नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, आदरणीय बुजुर्गों, भीलवाड़ा के साथ साथ राजस्थान और देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। दो चरण के मतदान देश भर में हो चुके हैं। आप लोगों को भी अपना सांसद चुनना है और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देश में एक नई सरकार का निर्माण करना है। हम सब आज इकट्ठा होकर आज रामपाल शर्मा जी जो उम्मीदवार हैं, ये किसी एक व्यक्ति के उम्मीदवार नहीं है, जितने हम लोग मंच पर मौजूद है, हम सब जयपुर दिल्ली तमाम नेता कार्यकर्ताओं के साथ बहुत गहन चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया है राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, रामपाल शर्मा जी लोकसभा क्षेत्र भीलवाड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं और आज इनके लिए आप सबसे हम आशीर्वाद मांगने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। पिछले तीन महीनों में जब से सरकार आप लोगों ने बनाई है कांग्रेस पार्टी की, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो उम्मीद एक नवनिर्वाचित सरकार से होती है उन सभी उम्मीदों को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जो हालात थे राजस्थान में वसुंधरा जी के शासन में हमारे सामने हैं, मंत्री नेता जनता को सुनते नहीं थे, सरकारी खर्च पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार करती थी और दूरी बन गई थी जनप्रतिनिधियों में और आम जनता के अंदर। पिछले 100 दिनों में हमारी सरकार ने, चाहे वो किसान का ऋण माफी की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी के भत्ते की बात हो, चाहे वो बुजुर्गों को पेंशन देने की बात हो, फसल खरीद की बात हो, पानी के बिलों की बात हो, तमाम ऐसे 2 दर्जन निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं जिसका फायदा जनता को आज मिल रहा है। लेकिन ये चुनाव सिर्फ राजस्थान के नहीं है, ये चुनाव हिंदुस्तान में कौन 5 साल तक इस देश की सेवा करेगा, कौन से नेताओं को आप दिल्ली में बिठाओगे, किसके हाथ में सत्ता होगी, इस बात का निर्णय आप लोगों को करना है। और साथियों, जिस प्रकार का प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं उसे देखकर साफ प्रतीत होता है कि आंकड़ों पे, धरातल पे, असलियत में, प्रासंगिक मुद्दों पर चुनाव लड़ना कोई नहीं चाहता। राहुल गांधी बार बार बोलते हैं प्रधानमंत्री को चुनौती देकर कि आप चर्चा करिए कि 5 साल में आपको सुनहरा मौका जनता ने दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, इन 5 सालों में आपने क्या किया। किसान की आमदनी दुगनी करने की बात बोली थी, किसान की कमर तोड़ दी है। आज देश भर में आत्महत्याओं का भयंकर क्रम आज तक चालू है। राहुल गांधी बोलते हैं कि हम गरीब किसान, नौजवान, बेरोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद, इन पे चर्चा करना चाहते हैं। और भाजपा के साथी बोलते हैं हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, मंदिर कहां बनेगा, मस्जिद कहां नहीं बनेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इन बातों को कर आप अपनी नाकामियों पे पर्दा डालना चाहते हैं।
हम लोगों ने संकल्प लिया है अपने घोषणा पत्र के माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी समर्पित है देश की जनता के लिए, चाहे हम सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। सोनिया गांधी जी जब यूपीए के चेयरपर्सन होते हुए मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय 10 साल के कार्यकाल में साथियों 14 करोड़ लोगों को इस देश में गरीबी रेखा से हमने ऊपर लेकर आए थे, 14 करोड़ लोगों को। रोजगार की गारंटी का कानून दुनिया में किसी देश में नहीं है, लेकिन नरेगा का कानून सोनिया गांधी जी ने बनाया, मनमोहन सिंह जी ने बनाया। शिक्षा का अधिकार आप लोगों को दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया। हमारी सरकार और पार्टी जनता को अधिकार देना चाहती है, और भाजपा के साथी सिर्फ मन की बात थोपना चाहते हैं। पाठ्यक्रम से महात्मा गांधी का नाम निकाल दो, पंडित नेहरू का नाम निकाल दो, आपस में द्वेष पैदा करो, झगड़े पैदा कराओ, जहर घोल दो समाज में। और जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है, मुझे बड़ा खेद है, संविधान की शपथ लेकर जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको निर्वाचन आयोग ने दंडित किया कि आप 3 दिन तक कुछ नहीं बोलेंगे, प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी भाषा अशोभनीय है, समाज को बांटने वाली भाषा है। साथियों आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आज कैंडिडेट हमारे रामपाल शर्मा जी हैं, हम मुख्यमंत्री जी, मैं, हम सब लोग यहां पे इकट्ठा होकर वोट मांगने आए हैं, लेकिन ये भविष्य आपका है। 5 साल दिल्ली में कौन सी विचारधारा असीम होगी, किन लोगों के हाथ में कमान रहेगी देश को चलाने की, ये निर्णय आपको करना है। एक एक वोट कीमती है। आज मंच पे जितने लोग बैठे हैं, टिकट बहुत लोग मांगते हैं, विधानसभा के, लोकसभा के, लेकिन प्रजातांत्रिक प्रणाली में जब संगठन एक निर्णय ले लेता है तो सब लोग जो सच्चे कांग्रेसी हैं उस निर्णय के साथ समा जाते हैं। और भाजपा के हमारे साथी आज 3 महीने में उनके पास जवाब नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा न्यूनतम आय योजना लेकर आएंगे। इस देश में जो सबसे गरीब 20% लोग परिवार हैं, प्रत्येक परिवार को 72,000 रुपए हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग देंगे, 72,000 रुपए। मोदी साहब बोलते हैं मैं किसानों को दूंगा 6,000 रुपए साल के, राहुल गांधी ने बोला हम देंगे 6,000 रुपए हर महीने के, लेकिन हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथी 15 लाख रुपए खाते में लाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, निवेश होगा, अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया है। नोटबंदी करने के बाद आज तक मुझे तो पता नहीं है कि देश को क्या लाभ हुआ है, क्या कालाधन समाप्त हो गया, क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो गया। लेकिन हां, जिन लोगों को जानकारी थी कि नोटबंदी होने जा रही है, उन लोगों ने मोटा माल कमाया है। भारतीय जनता पार्टी 3 प्रदेशों में चुनाव हारी है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। और जब उनको लगा कि हम चुनाव हार रहे हैं, उन राज्यों में जहां हमारा शासन था, यहां सारी लोकसभा सीट भाजपा के पास थी, वहां पे जनता ने उनको धूल चटा दी है, तो वो समझ गए कि आने वाला समय भी हमारा नहीं है। इसीलिए जानबूझ के जो मुद्दे हैं, जो विषय हैं, जो चुनावी चर्चा होनी चाहिए, उसका मुंह मोड़ दिया। हम कहते हैं किसान की, खेत की, बीज की, बिजली की, पानी की, शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़कों की, अस्पताल की, ये बातें करो। वो कहते नहीं, जाति की, धर्म की, भाषा की, मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की, वो ये बातें करके लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है साथियों, हमारी सरकार ने 3 महीने में 17 दिसंबर को जब सरकार बदली तो नरेगा में राजस्थान में सिर्फ 9 लाख लोगों को रोजगार दे रहे थे। हमारी सरकार बनने के बाद आज मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि 15 अप्रैल तक 30 लाख लोगों को हमने नरेगा में रोजगार दिया है, ताकि लोगों की जेब में पैसा आए। अरे महंगाई जो आसमान छू रही है, ये बड़े बड़े घराने के लोगों को मालूम नहीं है। आज गैस का सिलेंडर 1,000 रुपए का है, पेट्रोल डीजल 75 रुपए लीटर बिक रहा है, और कहते सारी गलती मनमोहन सिंह जी की थी। अरे प्रधानमंत्री महोदय, आप 5 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, 65 देशों में आप घूम कर आए, नोटबंदी आपने कर दी, मन चाहे जैसा किया, ना तो महंगाई कम कर पाए, ना नौकरियां पैदा कर पाए। पिछले 45 साल में इतनी बेरोजगारी देश में नहीं रही जितनी आज है। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक बात जो भाजपा के नेता और मोदी साहब कर रहे हैं, वो इस देश में जो एक वातावरण है, हमारे यहां चुनाव होते हैं सरपंच के, प्रधानी के, जिला प्रमुख के, दूध डेयरी के, कृषि मंडी के, एक खुले माहौल में चुनाव होते हैं, हार जीत होती रहती है। लेकिन यहां कोशिश की गई है जो भाजपा के विरोध में है उसकी आवाज को दबा दो, उसके घर छापे डलवा दो, उसको बदनाम कर दो, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी,
जो एजेंसी भारत सरकार की है वो भाजपा के विरोध में जो लोग होते हैं उनकी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। आज एक महीने से चुनाव चल रहा है, 15 दिन 20 दिन हो गए, भाजपा के किसी नेता पे कोई जांच नहीं हो रही, और जो भाजपा के विरोध के नेता है चाहे कांग्रेस की हो चाहे किसी पार्टी की हो उनके घरों पर छापे डाले जा रहे हैं, उनको डरा धमकाकर उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। लोकतंत्र में, लोकशाही में, हमारे गणतंत्र में जिन संस्थानों को हमने इतनी मेहनत से यहां तक पहुंचाया उन सबको एक एक करके नष्ट कर रहे हैं। अमित शाह साहब बोलते हैं एक बार वोट और दे दो फिर 50 साल तक हम लोग राज करेंगे। अरे भाई, 5-5 साल जनता चुनती है और जो सेवा ढंग से नहीं करता उसको फिर बाहर कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी 130 साल से देश में है, हम चुनाव जीते भी और हारे भी हैं, लेकिन हमने कभी समझौता नहीं किया अपने सिद्धांतों के साथ। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, आपकी सरकार केंद्र में है, आप जम्मू कश्मीर की सरकार आपकी थी, क्या हालात हो गए हैं आज जम्मू कश्मीर में? आज आतंकवाद बढ़ा है, छत्तीसगढ़ में एक विधायक की जान गई है, भी माओवादियों ने जान ले ली है, ना तो आतंकवाद कम हुआ और ना ही आतंकी हमले कम हुए, बॉर्डर पर रोज गोलाबारी हो रही है। आप बोलते थे आप सबक सिखा देंगे, अगर सबक किसी ने सिखाया तो मुझे फक्र कहते हैं कि भारत की सेना ने सिखाया, हमारी सेना, हमारी वर्दी में नौजवान, हमारी आन बान शान के प्रतीक है। और देश के ऊपर अगर कोई टेढ़ी नजर से देखेगा उसको वही जवाब मिलेगा जो मिलना चाहिए, चाहे देश में किसी पार्टी की सरकार हो, कोई प्रधानमंत्री हो। लेकिन आपको जनता ने चुना इसलिए था कि आपने सपने दिखाए थे, आपने वादा जनता से किया था कि निवेश होगा, उद्योग होगा, कारखाने लगेंगे। आज सब झूठ का पुलिंदा साबित हुआ, भाजपा के लोग आज बेनकाब हो चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजस्थान में कोई नेता नहीं, जो पूर्व मुख्यमंत्री थी उनको भेज दिया दिल्ली में, और यहां पर कौन किसका नेतृत्व कर रहा मालूम नहीं। लेकिन मुझे खुशी है कि राजस्थान के अंदर हमारी कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस का संगठन, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और राजस्थान में जो 25 लोग कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा में जो 25 लड़ रहे हैं, 25 के 24 ही लड़ रहे हैं, जो 24 लड़ रहे हैं उनमें कौन वसुंधरा जी का है, कौन अमित शाह जी का है, कौन किसी का है, लेकिन मुझे खुशी है कि राजस्थान में 25 जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के हैं वो मेरे भी हैं, अशोक गहलोत जी के भी हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी के हैं। यहां 13 मेरा भाजपा में होता है, हमारे यहां नहीं होता। और जो अफवाह लोग फैलाते हैं कि सचिन पायलट की अशोक गहलोत से नहीं बनती, अशोक गहलोत की रघु शर्मा से नहीं बनती, रघु शर्मा की लालचंद जी से नहीं बनती, ये सब अपनी नाकामियों पे पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार बनी 3 महीने से ज्यादा हो गए, सरकार में सभी मंत्री, संगठन के सब पदाधिकारी एकजुटता से काम कर रहे हैं, अनुशासन में काम कर रहे हैं, दूसरे की मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम सब स्वार्थ की राजनीति नहीं कर रहे। वसुंधरा जी को जो उम्मीदवार पसंद नहीं है उसके नामांकन में नहीं जाती, मुख्यमंत्री और मैं 25 के 25 हमारे कैंडिडेट को जिताने के लिए जी जान मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी जनता के लिए समर्पित है, हम व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये फर्क होता है अहम और अहंकार का। कांग्रेस में आत्मीयता है, विनम्रता है, अनुशासन है, और नेता और विचारधारा के प्रति समर्पण, इसलिए मिलकर काम करते हैं। अगर हमारे में से किसी का मनमुटाव भी होता है हम बैठ के चर्चा करते हैं, अपनी बात को बोल देते हैं, और बात बोलने के बाद सारे एकजुट मुट्ठी बंद कर कांग्रेस को जिताने के लिए जी जान लगा देते हैं। ये इतिहास है कांग्रेस पार्टी का। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, निर्णायक चुनाव है हमारे देश के लिए, भविष्य के लिए, नौजवानों के लिए, लोकतंत्र के लिए, इसलिए कृपा करके सारी बातें भूले, 36 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग, भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा खूबसूरत और प्यारा जिला है, यहां सब लोग भाईचारे से रहते हैं, कभी कभी यहां कोशिश की जाती है झगड़ा फसाद कराने की, उन ताकतों को अगर आपको जवाब देना है, एक बेहतर भविष्य की तरफ चलना है तो हाथ का निशान है, इस पर बटन दबा के आप कांग्रेस पार्टी को जिताओ। मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं कि भीलवाड़ा से रामपाल शर्मा जी जीतकर जाएंगे, दिल्ली में आपकी नुमाइंदगी करेंगे, और भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के विकास में हम लोग कोई कमी नहीं आने देंगे, इस बात का आपको वादा करता हूं। एक बार पुनः निवेदन कि हाथ के निशान पर वोट डालकर राहुल गांधी जी को मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, और रामपाल शर्मा जी को जिताकर अपना सांसद बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, राम राम साहब।
समर में घाव खाता है उसी का नाम होता है, छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। तो लीजिए इस कड़ी में मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे लाडले नेता, जन जन के नेता माननीय अशोक जी गहलोत साहब से एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम हमारे लाडले नेता जिनके नेतृत्व में हमने राजस्थान के अंदर लोकशाही की स्थापना की, आदरणीय पायलट साहब, रघु शर्मा साहब और पूरी जिला कांग्रेस कमेटी, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डिप्टी सीएम साहब सचिन पायलट जी, हमारे कैंपेन कमेटी चेयरमैन व स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, हमारे कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, हमारे पूर्व मंत्री रामलाल जार साहब, कैलाश त्रिवेदी जी, धीरज जी गुजर, रामपाली शर्मा साहब, विवेक जी धाकड़, मनीष जी मेवाड़ा, अनिल डांगी जी, महावीर जी जीनकर, आदरणीय कन्हैया जी धाकर साहब, चेतन जी बिजवानिया, कैलाश जी व्यास हमारे वरिष्ठ नेता, अनिल व्यास जी, पराक्रम सिंह जी पूर्व विधायक, प्रदीप कुमार सिंह जी पूर्व विधायक, गोपाल वागर जी, श्रीमती किरण तोटेवाल जी, चेयरमैन नगर पालिका सापरा दिलीप गुर्जर जी, नमन ओझा जी और बाल मुकन जी तुलसीवाल, तमाम उपस्थित हमारे प्रधान साहब जयपुर विद्यार्थ सिंह जी, राम प्रसादी पारिक, अक्षर त्रिपाठी, तमाम उपस्थित हमारे नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथ, अभी आपने सचिन पायलट साहब को सुना। हम सब इकट्ठे हुए हैं आपको आग्रह करने के लिए, आपसे प्रार्थना करने के लिए, इस चुनाव में सबकी सलाह थी रामलाल जी, रामपाल शर्मा जी को कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने टिकट दिया है, आप सब लोग विश्वास के आधार पर कि आपका आशीर्वाद उनको मिलेगा, आपकी शुभकामनाएं, आपकी मेहनत रंग लाएगी और ये चुनाव जीत के जाएंगे, और जाने के बाद में आप निश्चिंत रहो, हम सब इनके साथ खड़े मिलेंगे आपको। भीलवाड़ा के पूरे क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, ये हम कहने के लिए आपको हाजिर हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि भीलवाड़ा में आपने डॉक्टर सीपी जोशी जी को जिताया था, तब भी आपने देखा कि हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। याद करो पीने के पानी की कितनी बड़ी समस्या थी, किस प्रकार से चंबल से इसकी मना करके चंबल का पानी लिफ्ट करके भीलवाड़ा तक लाना, मैं समझता हूं बहुत बड़ा काम था। हमारी सरकार बनी, ये राम लाली जान बैठे हुए हैं, त्रिवेदी साहब बैठे हुए हैं, सब लोग यहां बैठे हुए हैं, सबकी भावना थी। मैंने मेरे पहले बजट के अंदर चंबल से पानी आएगा भीलवाड़ा के अंदर लिफ्ट होके उनकी मैंने घोषणा करी, और घोषणा नहीं करी बल्कि पानी पहुंच गया, गांवों तक पानी पहुंचा, और जो काम बाकी रह गया है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहें, उन काम को भी हम पूरा करवाएंगे। इस प्रकार से उस जमाने में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने का प्रयास किया गया, स्टील का कारखाना लगे, कुछ काम शुरू हुआ है, अब यहां पर वो कारखाना लगे जा रहा है, यहां पर भीलवाड़ा के अंदर जिंदल की तरफ से भी और सरकारी कंपनी के तरफ से भी। मेमो कोल फैक्ट्री का सोनिया गांधी जी आई थी, उद्घाटन शिलान्यास कर दिया, पर नई गवर्नमेंट आई वसुंधरा जी की, उन्होंने कोई परवाह नहीं करी उसकी। मेडिकल कॉलेज हमारे वक्त में हमने घोषणा कर दी, जमीन ले ली, आखिर वो बनाना पड़ा, वो बन गया। कृषि महाविद्यालय हमने यहां पर खोला, यहां पर नेशनल हाईवे आपके बन गया, तहसील व एसडीओ ऑफिस बनाए सापुरा में भी, फुलिया में भी, उप तहसील बनी ठिकोला में, दूध पे लीटर प्रति लीटर दूध के बोने देते हम लोग, जिससे कि पशुपालकों के जेब में ज्यादा पैसा क्या है। इस प्रकार से
जब पेंशन की योजना हो तो सरकार आते ही हम लोगों ने जो पहले लागू की थी वो 500 से 750 और 750 रुपये हम लोगों ने किए, तो कमी हमने कोई रखी नहीं है। अभी हाल ही में सरकार बनती हमने कहा कि जो दवाइयां पहले 600 फी देते थे हम लोग, दवाई जो महंगी है किडनी की, हार्ट की, कैंसर की, हमने कहा वो दवाई फ्री मिलेगी राजस्थान में, वो भी मैंने आदेश जारी कर दिए। इस प्रकार से किसानों के बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे 5 साल तक, ये वादा हमने कर लिया है। किसानों कर्जे माफ कर दिए कॉपरेटिव बैंक के, भूमि विकास बैंक के, और ये भी कहा जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं उनसे बातचीत चल रही है, चुनाव के बाद में जो लोगों ने भरा नहीं उनके कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। इस प्रकार से हाथ में कलम भी आपने हमारे, उनका उपयोग कर रहे हैं पूरी तरह से। हम चाहते हैं राजस्थान की जनता खुशहाल बने, गरीबों को 2 रुपये नहीं बल्कि 1 रुपये किलो गेहूं के आदेश जारी हमने कर दिए। लड़कियों की शिक्षा फ्री होगी, पहले स्कूल तक थी अब कॉलेज तक भी हो जाएगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। आपको शायद मालूम होगा कि हमने अब गांव में पानी के बिल नहीं आएंगे, वो भी हमने माफ कर दिए, कोई बिल नहीं आएंगे गांव के अंदर, ये हमने कर दिया है। लंबी छोटी लिस्ट है, बेरोजगारों को भत्ता मिलेगा, आधा करीब 80,000 नौजवानों को महीने लग गया है, इलेक्शन कमीशन रोक लगा दी या कोर्ट करने के कारण से अभी आगे जारी हुए नहीं है, बड़ा जिन्होंने अप्लाई किया है उनको भी हम देंगे चुनाव के बाद में। जब एक बार वादा किया है राहुल गांधी जी ने आपसे वो हम निभाएंगे, मैं कहना चाहता हूं। अभी न्याय योजना के बारे में बताया सचिन जी ने आपको, बहुत 1,000 रुपये मिलेंगे प्रति माह, 6,000 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार की नई योजना लेके आए हैं घोषणा पत्र के अंदर, और तो और किसानों के लिए अलग से बजट पेश करना देश के अंदर आजादी के बाद पहली बार होने जा रहा है। इसका मतलब लोग अभी समझ नहीं पा रहे, किसानों को समझना पड़ेगा किस प्रकार से उनको पहले रेलवे का बजट जो है वो अलग प्रस्तुत होता था पार्लियामेंट, अब किसानों का अलग बजट होने के मतलब है जितनी समस्या किसानों की है उन सबके बारे में खुल करके सारे MP वहां पर बहस करेंगे, नए सुझाव देंगे, उसके बारे में पास होगा, पास होकर लागू होगा। तो जितनी भी समस्या MSP की हो, खाद की, बीज की, फसलों के पूरे मूल्य मिलते नहीं है, कल परसों अंदर आ गया 25 लोग मर गए राजस्थान के अंदर, 25 लोग देश भर में मरे, करीब 50 लोग मरे हैं राजस्थान में से, 25 लोग मर गए, 10 तो बिजली गिरने से मर गए हैं। मैंने कल रात को मीटिंग ली, आदेश जारी कर दिए सबको पैसा आजकल में मिल जाएगा, मिल गया होगा, जो मर गए हैं हमारे साथी उन सबको जो हमारा बनाया हुआ नियम 4 लाख रुपए वो भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी 2 लाख रुपए और हमने तय किया CM ने फंड से, तो वो तब तक मैं नहीं बोल सकता जब तक इलेक्शन कमीशन स्वीकृति नहीं थे, वरना चुनाव के बाद तो मुझे फैसला करना ही है, ये मैं कहना चाहता हूं। इस प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि फसलें चौपट हो गई, उनको लाभ मिले, त्वरित गति से हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा मोदी जी और ये जो लोग हैं BJP के लोग, पूरा देश देख रहा है किस प्रकार पिछले चुनाव में बड़े बड़े वादे किए, कालाधन लेके आएंगे, रोजगार देंगे 2 करोड़ नौजवानों को, महंगाई कम कर देंगे, और खूब बदनाम किया मनमोहन सिंह जी गवर्नमेंट को, 2G स्पेक्ट्रम, कोल गेट, वो सब गायब हो गए, 5 साल कुछ नहीं कर पाए। अभी धमकी देते राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, अरे प्रधानमंत्री जी आप चुनाव को किस दिशा में लेना चाहते हो, ये लोकतंत्र है, ये जो मिट्टी होती है लोकतंत्र में वोटों का राज ऐसी होती है, किसान हो, गांव का मजदूर हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो,
सबको हाथ जोड़ना पड़ता नेताओं को, चाहे प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो एमएलए एमपी हो, मंत्री हो या गांव का सरपंच हो, वोट सबको देना है और वोट के धनी सबके मालिक, आप चाहे अमीर है चाहे गरीब है, एक वोट के मालिक है। आपके दरबार में हम अपनी बात कहते हैं, दिलावटी कहते हैं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है बीजेपी के लोगों से, हम चाहते वो अपनी बात कहें, हम अपनी बात कहें, हमारी उपलब्धियां क्या है, हम क्या करना चाहते हैं सभी तबकों के लिए, वर्गों के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, गांव के लिए, बताएं हम लोग, वो बताएं। फैसला जो आप करते हो वो सबको मंजूर होना चाहिए, ये लोकतंत्र है, इसको कांग्रेस ने 70 साल से जिंदा रखा है। पाकिस्तान भी हमारे साथ आजाद हुआ था, वहां ऐसे वोट कई बार बंद हो गए, सैनिकों का शासन, बंदूकों का शासन था, प्रधानमंत्री से जेल चले गए कई बार, फांसी चढ़ गई प्रधानमंत्री को, भुट्टो साहब को, कितना बड़ा फर्क है। अब मोदी जी पाकिस्तान का भय दिखा करके चुनाव जीतना चाहते, अरे पाकिस्तान है क्या चीज हिंदुस्तान के सामने, हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही है, हिंदुस्तान को मुकाबला कर सकता है क्या, हिंदुस्तान का हिंदुस्तान दुनिया लोग मान रही है। इंदिरा गांधी के वक्त में हमने परमाणु विस्फोट कर दिया था पोखरण के अंदर, वाजपेयी के बाद में उसके बाद में आगे बढ़ा और ऐसा डरा के रखते हैं हिंदुस्तान के लोगों को, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे हम लोग राष्ट्रवादी नहीं है क्या, खाली मोदी जी राष्ट्रवादी है, मोदी जी पार्टी के लोग राष्ट्रवादी है, हम राष्ट्रभक्त नहीं है क्या, असली राष्ट्रभक्त तो हम है जो देश को एक रखे हुए हैं, अखंड रखे हुए हैं। इंदिरा गांधी ध्यान देती प्रधानमंत्री रहते हुए महिलाएं बैठी हुई है, कोई महिला थी उनका छीना छल नहीं हो गया, पर देश में पंजाब को अलग नहीं होने दिया खालिस्तान के नाम पर, बांग्लादेश बना दिया, 93,000 कर्नल जनरल सैनिकों का संडे के बाद इंदिरा गांधी ने तो कभी नहीं कहा हमारी मेरी विजय है, उन्होंने कहा हमारी फौजों ने अपने शौर्य से पराक्रम से विजय प्राप्त करी है बांग्लादेश के अंदर, हमारे लोगों ने जो ऑपरेशन किया पंजाब में आतंकवाद को खत्म कर दिया, बैंकिनी ने भी इस प्रकार के हमेशा से विलास सेना को मिला। अब ये हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं मोदी सेना, अरे मोदी सेना कहना ही जुल्म है, ये इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था योगी जी के खिलाफ, कुछ कह सकता मोदी सेना, मोदी सेना नहीं है वो, सेना देश की सेना, पूरे मुल्क को गर्व है हमारी सेना पर, चाहे बीएसएफ हो, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, सब लोग ज्ञान बदले में रख करके सीमा की रक्षा कर रहे हैं। मोदी सेना कहां ले जाओगे इस मुल्क को, इसलिए अभी सनी जी ठीक कह रहे थे कि 2 राउंड हो गए चुनाव के, बीजेपी का सफाया हो रहा है, झूठ कब तक चलेगा, झूठ कब तक चलेगा, टीवी में भी झूठ दिखाया जाता है, टीवी के मालिक लोग बहुत दबाव में हैं, संपादक दबाव में हैं, इसलिए कहीं सीबीआई वाले चमड़ा देंगे, कहीं इनकम टैक्स आ जाएंगे, सच्चे दिखा नहीं पा रहे, आपको बच के चलना पड़ेगा, टीवी जो आता है वो सब सच नहीं होता है, दिमाग में रखो आप लोग और सच्चे के साथ दो, और सच्चे राहुल गांधी के पक्ष में है, कांग्रेस के पक्ष में, हमारे मोदी जी कमाल ही करते हैं बोलने में, अब कहते मैं ओबीसी का हूं इसलिए लोग मेरे पीछे पड़े हुए, अरे भाई आपने आलोचना कर दी तो आप ओबीसी के इसलिए आलोचना कर दी, आपने आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के खिलाफ बोलते थे, हमने कभी नहीं कहा कि आप सिखों के खिलाफ हो, मैं मुख्यमंत्री हूं राजस्थान का, आप मेरे खिलाफ कैंपेन करके जाते हो राजस्थान में, मैंने कभी नहीं कहा ओबीसी के खिलाफ आप कैंपेन करने क्यों आए यहां पर। अरे जो राजनेता होता है मुख्यमंत्री बनो प्रधानमंत्री मंत्री, हम शपथ लेते हैं संविधान की, उसमें 36 ही कौम को साथ लेके चलो, सभी धर्म सभी वर्ग सभी जाति हैं साथ लेके चलने की शपथ लेते हैं, उसमें प्रधानमंत्री के गरिमा होती है पद की,
अगर वो ये बोले कि मैं ओबीसी का हूं, पिछड़ा हूं, इसलिए पूरे पिछड़ों का बेइज्जती कर रही है कांग्रेस, कैसे कह सकते हैं आप? इस प्रकार भावात्मक मुद्दे चला करके, बातें फैला करके, बजाय इसके अपनी उपलब्धि बताओ, पांच साल के आपने क्या कहा, क्या करोगे आगे, ये नहीं बता रहे हो। इसलिए मैं आपको आह्वान करूंगा कि कृपा करके आप कोई कमी रखो मत, इस चुनाव में आप भारी बहुमत से कांग्रेस को कामयाब करो और जिस रूप में आपके रामपाल शर्मा जी का अपना अनुभव भी है, लंबे समय से आपकी सेवा करते आ रहे हैं और आप इनको मौका दोगे तो जैसा मैंने कहा कि आप निश्चिंत रहो, चुनाव के बाद में हम सब मिलकर के जो भी आपके सुझाव होंगे उनको हम लोग पूरा करेंगे और शाहपुरा की पावन धरती पर बैठे हुए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राम श्री सम्यता की पीठ भी यहां पर है। आज समाज के स्वस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती लंबे अर्थ दे रहे थे, देश की आजादी में भी शाहपुरा आश्रम का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले आजादी के बाद में राजस्थान में सम्मिलित होने की घोषणा करी तो शाहपुरा रियासत ने करी थी और भारत बंधुओं का तो इतिहास त्याग का बलिदान के सबको मालूम है। उस धरती पर आज हम लोग बैठे हैं, पिछले चुनाव में आप कामयाब नहीं कर पाए कांग्रेस को, कुछ कारण रहे होंगे, एक तरफ वोट पड़ गए, पर मैं आपसे अपील करूंगा ये चुनाव देश का चुनाव है, ये चुनाव देश की तकदीर का फैसला करेगा, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। इसे कृपा करके आप लोग कोई कसर मत छोड़ना, पिछले चुनाव में क्या हुआ भूल जाओ, इस चुनाव में सत्ती जी कौम के लोग रामपाल शर्मा को कामयाब करो। यही बात करता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारे एनएसयू के साथी आज हनुमान जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री साहब रितेश गुर्जर जिलाध्यक्ष हनुमान जयंती के अवसर पर गदा देकर साहब का स्वागत अभिनंदन करेंगे। किसान कांग्रेस से कांग्रेस सही हल भेद करके नारा तो लगाओ, कांग्रेस सही जी, कैलाश साहब, पायलट साहब, कांग्रेस सही, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, एनएसयूए के साथियों के द्वारा हनुमान जयंती के अवसर पर जिलाध्यक्ष रितेश गुर्जर, भंवर गुर्जर, पीयूष जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री साहब का गला भेंट करके स्वागत अभिनंदन। देश की पहचान है, हम सभी धर्मों में विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास इस देश की एकता और अखंडता में है और आप जितने साथी पधारे आपका बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है।